हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विक्रम मलिक बॉक्सर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आज हम आए हैं साइलेंसर गैरेज। देख पा रहे हो मेरी थार खड़ी है यहाँ पे। और साइलेंसर गैरेज पे अगर मैं आया हूँ तो आप खुद समझ सकते हो कि मैं किस काम के लिए आया हूँ। भाई, हम आए हैं आज अपने थार में एग्जॉस्ट लगवाने। और अभी मिलवाता हूँ मैं आपसे जो यहाँ के ओनर हैं। अंकल जी, आपका गुड नेम? मेरा नाम विनी है। कैसे हो? बढ़िया, ऑल गुड, ऑल गुड। तो अच्छा था, बात करी थी कि अंकल जी ये बताओ कि डीजल गाड़ी में एग्जॉस्ट कामयाब होता है नहीं होता है। तो आप ये बताओ कि डीजल गाड़ी में साइलेंसर, जैसे हम आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, कस्टम का हो गया, वेल्वेट्रॉनिक हो गया, कामयाब कितना रहता है? क्योंकि काफ़ी लोगों में ये रहता है कि डाउट्स रहते हैं कि डीजल में साउंड निकल के आएगी या नहीं आएगी। ऐसा होता है, कामयाब तो होता है, डिपेंड करता है कार टू कार, गाड़ी कौन सी है। आपकी नई वाली थार है, साउंड कहने से सिर्फ 5-10% आने वाली है। वो भी अगर हम जी वगैरह सेल बना रहे हैं टायर के तो आएगी, पीछे निकालते हैं तो वही साउंड 10-5% हो जाएगी। हाँ जी, पुरानी थार होती है तो साउंड 30-40% आती है। ठीक है, उसमें फिर भी मतलब लगा सकते हैं। हाँ जी, डिपेंड करता है कार टू कार, गाड़ी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है क्या लगता है। अब नई वाली ऐसे क्रेटा आ रही है, उसमें साउंड नहीं आती। हाँ जी, पुरानी क्रेटा में अच्छी साउंड आती है, डीजल के आती। तो एक से बताओ, ये कुछ BS6 और BS4 का चक्कर है या मतलब नॉर्मल, मतलब कार टू कार है? एग्जैक्टली इसका फर्क भी है, क्योंकि आजकल इंजन रिफाइन आ गए हैं। BS6 में जो कैट दिए बड़े बड़े दे दिए इंजन के साथ आगे लगा दिए, कहीं ना एयर शिफ्ट बहुत रहती है। ठीक है, उसका भी बहुत फर्क है। जैसे कि जो ओल्ड थार आती थी BS4 जिसको हम बोलते हैं, मतलब CRD जो आती थी, उसमें जैसे आप एग्जॉस्ट लगाते तो वो मतलब पता चल जाता था कि दूर से कि हाँ समथिंग, मतलब एक डीजल कार आ रही है। इसमें नहीं चलेगा, पता हूँ कि इनमें एक्चुअली किलोमीटर जो है साइज बड़ा कर दिया और इंजन के ऊपर बड़े से कैट लगा दिए, तो रिमूव करेंगे तो कहीं गारंटी वर्ड होती है, क्योंकि सेंसर उसका आउट होता है। तो फिलहाल रिमूव नहीं करते नई गाड़ी का, वो करेंगे तो साउंड की बढ़ सकती है, ऐसी बात नहीं है, मगर उससे गारंटी वर्ड होती है और गाड़ी को ना कहीं कहीं नुकसान है। हाँ, फिर वो दिक्कत आने वाली बात है। तो आप ये बताओ, अब आप मेरी गाड़ी में क्या काम करोगे? और दिखाता हूँ आपको, मैं करके आ रहा हूँ। इसको दिखाओ, आपका जो साइलेंसर था उतरा हुआ। हाँ जी, निकाला हमने। ठीक है, और देखो हमने पूरा क्लैंप ऑन खोला, कुछ काटा नहीं इसके अंदर हमने। ये पार्ट खोला और पीछे का पाइप हमने ये खोला, तो कल को आपको स्टॉक फिट करना होगा, वापस आप क्लैंप ऑन टाइट कीजिए, दोबारा फिट हो जाएगा। मतलब कहीं से कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करी गई है आपने? बिल्कुल, मतलब एक ओके, मतलब प्रॉपर तरीके से काम किया, मतलब कोई भी कट नहीं है, कुछ कट नहीं है। इसकी का हम क्या लगा रहे हैं, इसकी जगह हम लगा रहे हैं पाइप। ओके, क्योंकि डीजल गाड़ी है तो स्ट्रेट पाइप चलेगा। हाँ जी, ये जो सी जी सेम जी ऐसे आके। ठीक है, जीवन इतना इसकी फिटिंग पीछे आती है, मगर हमने साइड से निकाली है, साइड से निकल, तो वो फिटिंग साइड में आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि स्ट्रेट साइड निकलती कैसे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दो कि कहाँ से पाइप निकलेगा। बिल्कुल, ये पाइप एक्चुअली आपका जो लगने वाला है वो इस तरह लगने वाला है, यहाँ पाइप आ जाएगा। हाँ जी, फिटिंग आपकी आने वाली है, कुछ यहाँ आने वाली है। ओके, जैसे पहले जो लास्ट में जाती थी उसका भी कुछ बेनिफिट, मतलब उसका देखो, इससे अगर आगे निकालते हो तो कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस एज कम्पेयर टू पीछे थोड़ी सी कम होती है। ओके, 1 inch पे आगे बताऊं, मगर कहीं ना कहीं साउंड जो है। हाँ जी, साउंड अच्छी निकलती है, क्योंकि जो एयर होती है अगर पास आएगी हाँ अच्छा रहेगा, और एक पीछे घूम के आएगी तो मतलब कहीं ना कहीं हाँ फिटिंग कहीं ना कहीं आपकी आने वाली है। यहाँ पे यही बैठेगी। ठीक है, सही से वो चेसी का साइज जगह ही मिला हुआ, तो यही कहीं फिटिंग बैठेगी, बाकी डिपेंड करता है आपको इतनी बाहर निकालनी है। हाँ जी, बाहर निकालिए। तो मतलब कहने का मतलब ये कि बिल्कुल एक तरह से जैसे बोलते हैं हम कि कपलर टू कपलर जो काम होता है, मतलब कोई भी मतलब वारंटी की टेंशन नहीं लेनी है, कटिंग नहीं है। कल को आपने कहीं फिटिंग भी करानी है तो नॉर्मल मैकेनिक से कॉल किया, नॉर्मल फिटिंग रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और बताओ, पेट्रोल में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? पेट्रोल में तो बहुत ऑप्शन है, पेट्रोल में तो फिल्टर आ गए, पाइपिंग आ गई, एग्जॉस्ट आ गया, अल्टीमेट ऑप्शन है पेट्रोल के अंदर, जितनी भी साउंड ले सकते हैं, मतलब वेल्वेट्रॉनिक हो गया, स्टेट पाइप हो गया, कुछ भी, मतलब जैसे लोगों की पसंद है, मतलब BS6 BS4 का पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो चलो अभी हम भाई अंकल जी काम स्टार्ट कर रहे हैं, और उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसी साउंड आ रही है और क्या क्या लग रहा है। मेन चीज आती है कि हम काम कैसे कर रहे हैं और क्या लगा रहे हो। पाइपिंग से मैंने इसमें डाल रखा है, पाइपिंग 2.25 का। हाँ, पाइपिंग पतली करते तो भी साउंड दबेगी यार ना। ओके, पाइपिंग ज्यादा ब्रॉड भी होनी चाहिए ना, पतली भी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक मीडियम साइज का होना चाहिए, ताकि एयर प्रॉपर फ्लो निकले। और टिप जो चूज करो, अगर आप अगर ये निकालने साइड से, हाँ, मैं कहूंगा टिप हमेशा फ्लैट चूज करो। ओके, क्योंकि बंपर कटिंग नहीं होती यहाँ पे, फ्लैट लगाओगे तो कटिंग बैठ के आएगी, जो कैसे ग्राउंड लगाओगे तो कटिंग बैठेगी नहीं। हाँ, फिर कटिंग करनी पड़ेगी हमें। हाँ, और अगर कटिंग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी, ये चीज़ ज़्यादा बेटर। हाँ, तो भाई यही था, देखो नॉलेज हमेशा, वो कहते हैं ना, काम हमेशा अच्छी जगह आके कराओ, एक बार कराओ हमेशा सुखी रहोगे। क्या लगा रहे हो? अगर डायमीटर भी चेंज कर दिया आपने तो कहने का आवाज़ दब जाएगी, आवाज़ भी, और इंजन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल पड़ेगा। तो अभी अंकल जी यूज कर रहे हैं अपनी गाड़ी में स्टेनलेस स्टील का। अंकल जी, इसका बेनिफिट बता दो एक बार। बेनिफिट ये कहीं ना कहीं इसकी जो हमने अंदर लगाया है वो तो लगाया है MS का लोहे का, मगर जो बाहर से लगाया स्टील का, ताकि कहीं ना कहीं जब बाहर विजिबिलिटी आए इसकी तो स्टेनलेस स्टील की लुक की आए वो। ठीक है, तो अगर आप लगाते भी, ये यहाँ कुछ ऐसे दिखने वाला है,
तो जब जो चीज ये विजिबल होगी तो वो स्टेनलेस स्टील प्रॉपर लगाया हमने और इस पे मेन चीज रस्टिंग नहीं आएगी, रस्टिंग नहीं आएगी। और बाई चांस ये डीजल गाड़ी है तो एक बार लग गया तो आप भूल जाएंगे, 30-40 साल पाइप गलेगा भी कभी नहीं, मतलब 30-40 साल में तो गाड़ी खत्म हो जाएगी। लग गया तो टेंशन नहीं आपको, गल जाए 2-3 साल बाद 4 साल 5 साल बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब जो काम होता है यहाँ पे वो बिल्कुल 100% जेन्युइन काम होता है, टाइम लगेगा। आप बिल्कुल, आप एक चीज और बताओ, जैसे लोगों में ये रहेगा कि टाइम कितना लगता है, टाइम का और बता दो कि एस्टीमेट लेके आए। कई बार आप ना पहले फोन करके आना, क्योंकि गाड़ी बुकिंग होती है। हाँ जी, तो बुकिंग के साथ क्या होता है, दो गाड़ी पहले लगी, आपने लेट आ गया। हाँ जी, बिल्कुल लुटाएंगे हमको, एक फर्स्ट टाइम फर्स्ट होता है। हाँ, सबसे पहले तो बुकिंग आपको मतलब कॉल करके आएंगे, लेकिन एस्टीमेट टाइम कितना, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे इस काम के लिए आते हो? पहले आते हो तो 2 से 2.5 घंटे में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और सेकंड है कहीं और गाड़ी लगी हो तो आधा घंटा और लग सकता है। और अगर पेट्रोल गाड़ी है, वेल्वोट्रॉनिक वगैरह लग रहा है, तो उसमें कुछ टाइम का या सेम रहता है? कोई भी गाड़ी छोटी हो तो 3 घंटे कहीं नहीं गए पाइपिंग के साथ, ठीक है। बड़ी गाड़ी आती है वगैरह तो उसमें कहीं 5 से 6 घंटे मुस्टैंग 5 घंटे लगा देता हूं, ठीक। मतलब कहने का मतलब ये कि आपको एक बार कॉल कर लें अच्छे से, आपकी मतलब एक बात करके आए, तसल्ली से आए, तसल्ली से टाइम पूछने लगी कल को उनको, अगर जो टाइम आपको बोला उस टाइम पे अगर आगे गाड़ी पहले आपकी होगी, किसी और गाड़ी में होगी। तो गाइज हमारा एग्जॉस्ट बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है ना अंकल? स्ट्रेट पाइप है। हाँ जी, थोड़ा सा मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया क्योंकि यहाँ पे मेरे को चीज वेल्ड करनी है, स्टील में वेल्डिंग अच्छी नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा बीच में एमएस लगाया, बाकी पूरा ऐसे यू कैन सी पूरा स्टेनलेस स्टील का, पूरा स्टील का ही है, इस पे बिल्कुल रस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं। और ये कौन सा मटेरियल है? ये इसे बोलते हैं रेनबो शेड होते हैं, ब्लू आ गया, क्रोम आ गया। ओके, कभी इसकी कलरिंग कभी नहीं आती, बस रोज कपड़ा लगना चाहिए, ठीक है, कभी नहीं आती, मतलब डेली कपड़ा लगेगा तो मतलब एक तरह से वही क्रोम की तरह, ठीक है। और एक चीज बताओ, अपने पास और वैरायटी कौन कौन सी, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये वेल्वेट्रॉनिक आ गया आपका। अच्छा, ये वेल्वेट्रॉनिक है, ठीक है, सिंगल वेल्वेट्रॉनिक आ गया। इसका चाहे तो आप कुछ भी डबल टिप इंक्लूड कर सकते हो, ऐसे सिंगल टिप उसको बोलते हैं। हाँ जी, इसके पीछे अगर आप जैसे कस्टमर की चॉइस होती है कुछ और टिप लगानी, सिंगल लगानी है, ठीक है, सिंगल आप इसकी चीज करते हो। अच्छा, इसके आगे लग जाएगा, आगे लग जाएगा, टेबल में लगाना है, टेबल में आप ये लगा लो सिंगल, मतलब इसमें ऑप्शन मिलती है लिटरली आपको, मतलब वैरायटीज काफी है आपके पास टिप लगाने के पीछे, ठीक है। बाकी एक एक एग्जॉस्ट ऐसे भी आता है जिसके अंदर कुछ टिप लगी होती है ऑलरेडी, एज यू कैन सी आप दिखाया आपको मैं, इसमें डबल टिप लगी हुई है ऑलरेडी, कमरे से लग के डबल टिप आ रही है। तो इसमें डबल टिप लगी हुई है ऑलरेडी, एज यू कैन सी ओवर हियर, ओके, डबल टिप इसमें लग के आती है। अच्छा, जैसे सिंगल डिप है, मतलब डबल टिप अंदर से डबल टिप, अच्छा, मतलब पूरा कंप्लीट सेटअप है ये डोल। हाँ जी, पूरा सेटअप इसके आया था, बाकी फिल्टर वगैरह पड़े हुए आपके। तो ये देखो गाइस, ये मतलब डबल डिप है और ये वेल्वेट्रॉनिक है, वेल्वेट्रॉनिक है। हाँ जी, और इसके अंदर ये रिमस का है प्रॉपर आता है, ओरिजिनल रिमस है, होते कॉपी, अच्छा कॉपी कॉपी होते हैं, और वो इंडिया कॉपी मिलेंगे आपको, कोई रिटेल लगाता नहीं, ठीक है। और इनकी स्टार्टिंग होती है 60,000 रुपए। तो देख लो भाई, इतना सच कोई भी नहीं बताएगा आपको, मतलब कैमरा पे बता रहे हैं अंकल जी कि ऑल ओवर पैन इंडिया आपको कॉपी मिलेगा। और एक बताऊं, लोग कहते हैं कि इसमें साउंड क्वालिटी हमें अच्छी नहीं मिलती, हाँ जी, इसका रीजन ये होता है, बताएगा नहीं आपको मैं, ये इसकी बटरफ्लाई लगी, ठीक है। अभी मैं इसको हाथ से लाऊंगा, आप देखना, आपको भी आमने सामने दिखेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और देखा जाए तो इसके अंदर सिर्फ एक सीधा पाइप लगा हुआ है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मतलब ये लगाओ या सीधा एक पाइप लगाओ, साउंड सेम आएगी दोनों में, इसमें बस ऑन ऑफ की ऑप्शन मिल रहा है, बस इसमें ऑन ऑफ का बेनिफिट में हमको ये मिल जाता है कि चालान से बचता है, बचता है। और इसका डबल टिप जैसे ये है, इसके अंदर रिमस ब्रांडिंग भी आती है, वो भी पड़ा हुआ है, कार्बन टिप भी आ जाएगी, मतलब इसमें काफी ब्रांड्स आते हैं, मगर इसमें यह है कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी टिप चेंज करने के लिए, लगी हुई है। बाकी इसमें बीएमसी के फिल्टर्स मिल जाएंगे, अलग टिप्स मिल जाएंगे सब, और रिमस की ये मिल जाएगी कार्बन के अंदर, ये भी वही सेम कॉपी रिमस। हाँ जी सर, सब कॉपीज होंगे भैया, ठीक है, जो जेन्युइन चीज है। तो एक तो अंकल जी आप ये बताओ कि जैसे इसका प्राइस क्या है, थोड़ा सा मतलब एक्यूरेट मत बताओ, थोड़ा वो कहते हैं ना अप डाउन बता दो, फिटिंग के वैसे अलग बताता हूं मैं आगे। हाँ जी, नॉर्मल प्राइस आपको स्टार्टिंग होती है 2900 से, ठीक है, ये 2900 का आएगा, ये करीब करीब आपको पड़ता है 2800 करीब पड़ता है एक्रोपोविक, ठीक है। बाकी अगर आप टिप डबल की बात करो, डबल टिप बहुत वैरायटीज है, जैसे एक्रोपोविक कार्बन फौज है, फाइबर नहीं है, फौज है, तो इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है अराउंड 6,800-7,000 के अंदर पड़ती है, मतलब 6,000-7,000 7,000-6,000 के अंदर फिटिंग अलग होती है, फिटिंग अलग है, सिर्फ इसका प्राइस बता रहे हैं आपको कि 6,500-7,000 बहुत बड़ी चीज है। इसलिए भाई ये देखो, ये कार्बन फाइबर नहीं है, इस एक क्या मटेरियल बोलेंगे हम इसको, इसे कार्बन फौज बोलते हैं, कार्बन फौज फौज फौज, और फाइबर आपका ये कभी भी खराब नहीं होगा, इसका मतलब बढ़िया चीज का, कभी भी खराब नहीं होगा, फाइबर आपका ये आता है, हाँ कार्बन फाइबर, ये कार्बन फौज आ गया, ये आया था इसके अंदर, बाकी बहुत आया था डबल टिप में, जैसे आपकी गाड़ी में लगा रहा हूँ इसमें, इसमें प्रोको क्रोम मिल जाएगा पूरा आपको, हाँ ये क्रोम में मिल जाएगा, पूरा क्रोम मिल जाएगा इसके अंदर, और इसमें शेड भी है रेनबो, इसमें रेनबो शेड इसको रखा है, ये पूरा क्रोम मिलेगा, इसमें ब्लैक भी अवेलेबल है, नहीं ब्लैक भी इसके अंदर आ जाएगा। बाकी अगर आप और टिप्स की बात करो तो बहुत टिप्स अवेलेबल है, और ये जी वैगन टाइप की टिप आ जाएगी, हाँ ये जी वैगन का। और भैया अगर फिल्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे बीएमसी का एयर फिल्टर, हर तरीके के जो आपको रिक्वायरमेंट है, आप मतलब आप एक चीज बताओ, हाँ जी, अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि उसको कुछ पर्सनल अपना कुछ चाहिए तो आप अवेलेबल करा देते हो? अवेलेबल हो जाएगा,
अब ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है बाहर ही जाना है, ये मर्सिडीज़ C220 आती है जो, हाँ उसका फिल्टर मंगा रखा मैंने ऑन ऑर्डर पे ही है, ये इनबॉक्स है जैसे कंपनी का आता है सेम वही निकाल के सेम उसी का प्लेस कर, बीएमसी का ही, बीएमसी का कैन नहीं मिल देगा, बीएमसी मिल जाएगा। बीएमसी का ये बताओ कि कैनन बढ़िया या बीएमसी? आज के टाइम में अगर पर्सनल बताऊं तो मैं बीएमसी से ज्यादा प्रेफर करता हूं। बीएमसी और इसका एयर इंटेक बहुत अच्छा। बेनिफिट्स कहीं ना कहीं एक बार लग गया तो लाइफ टाइम का आपका खराब नहीं होता फिल्टर, लाइफ टाइम तक का। इसकी कंपनी 16 लाख की गारंटी देती है। हाँ जी मैं 3 लाख बताता हूँ, इंडिया के साथ मिट्टी बड़ी होती है, 3 लाख चलता है, तो ये गाड़ी 2.5-3 साल चलती भी नहीं है, अगर 2 लाख भी चलती है तो आप दूसरी गाड़ी भी यूज कर सकते हो। अच्छा, दो तीन बेनिफिट है, एक तो गाड़ी का पिकअप अच्छा हो जाएगा, साउंड एग्जॉस्ट की अच्छी हो जाएगी, ठीक है सर, में एक बार लग गया मॉन्टेन में उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यूनिवर्सल किसी भी गाड़ी में लग जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये एक प्लस पॉइंट हमारे पास की, मगर ये जो फिल्टर्स है जैसे इनबॉक्स ये आपको दिखाया मैंने, हाँ ये पर्टिकुलर सेम गाड़ी का फिट होगा, हाँ किसी और गाड़ी में होगा नहीं, जैसा आप ये बता रहे हो ये वाला, ये वाला ये किसी भी गाड़ी में लगा लो क्योंकि ये राउंड होता है, ये आप किसी भी गाड़ी में लगा लो। ये देखो गाइस, ये मतलब किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप 30,000-40,000-50,000 आदमी गाड़ी रख के बेच देता है तो, लेकिन फिल्टर को मत बेचना, फिल्टर को निकालना, धोना, साफ करना और दोबारा अपनी नई गाड़ी में इंस्टॉल कर लेना। इसकी प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग वैसे कंपनी की डीपीएस की 6,500 की, हाँ जी मेरे यहाँ मिलेगा आपको 6,000 रुपए का। ओके, फिटिंग के लिए अलग अलग पाइप्स लगते हैं, हाँ तो अलग पाइप्स लगा लो कि 800 से लेके 2,000 तक पाइप अलग से आते हैं, फिटिंग के साथ होता है वो, मतलब सबका अपनी रिक्वायरमेंट, पॉकेट हाँ कितनी अलाउ कर रही है, हाँ जी हाँ जी वो चीज आ जाती है, और बाकी मेरे पास पाइपिंग वगैरह जो नॉर्मल आती है सब मिलेगा, जैसे भैया आपकी थार की बात हुई थी, हाँ जी पुरानी थार के लिए मेरे पास पूरा क्लैंप सिस्टम पड़ा हुआ है, ओके पूरा क्लैंप है, सिर्फ टाइट करना है यहाँ पे, हाँ जी और यहाँ पे पूरा जीप वगैरह चलाता है वैसे ही चलाएगा, टिप जो पीछे आपको चॉइस है वो कोई भी लगा लो, आप कोई भी लगा सकते हो, ये पेट्रोल का है, ये पुरानी थार जो पुरानी थार, अच्छा सीआरडी का, हाँ जी हाँ जी ठीक है, डीजल आती थी तो उसमें लगा सकते हो, इसकी तो आवाज ही अलग थी, बिल्कुल आवाज अलग थी, हाँ जी बाकी कोई भी गाड़ी पाइपिंग चाहिए पाइपिंग ब्रॉड भी करते हैं, बस वन स्टॉप शॉप है, कुछ भी चाहिए आपको सब अवेलेबल हो जाए, ठीक है। एक बार अपने शॉप का एड्रेस और बता दो, मेरी शॉप का ये नाम है सैलेंसर गैरेज, ओके और ये सबसे पुरानी शॉप यही है, हाँ जी, तो प्लीज किसी उसमें जाइए कि शॉप कोई और पुरानी, सबसे पुरानी शॉप यही है, एड्रेस है इसका 50 सिंधिया हाउस के नॉर्थ प्लेस, ठीक है, बिहाइंड का कसूबा गांधी मार्ग, ओके जी। तो गाइज हमारा सेटअप हो चुका है तैयार, ये देखो आपको दिखाऊं जी वैगन स्टाइल, और नीचे से भी दिखाने की कोशिश करो तो ये देख सकते हो आपका, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट पाइप है, एक तरह से ये स्ट्रेट पाइप ही बोलेंगे हम इसको, और अंकल जी ने मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अंकल जी आप भी आ जाओ साथ में, अरे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंकल जी एक चीज़ फाइनल बताओ कि लग के बिल्कुल तैयार हो चुका है, लग के तैयार हो चुका है, हाँ जी, और क्लैंप पर बना के थी, कुछ काटा नहीं आपको, हाँ बिल्कुल, एक कस्टमर के लिए होता है यार जिस तरह की आवाज कहीं ना कहीं कहती नहीं पड़े, बताया था वो, हाँ जी 5-10% इसमें, हाँ वो तो आपने पहले ही बता दिया था कि डीजल गाड़ी में रहेगा, हाँ बाकी ये किलो कनेक्ट हो जाती है, हाँ जी, हाँ पिकअप जैसे अभी मैं टेस्ट ड्राइव करके आया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि जैसी आवाज बढ़ी है ना तो कहीं ना कहीं पिकअप 15-20% बढ़ा है गाड़ी, हाँ जी। एक बार आप साउंड और दिखा देते हैं कि क्या आ रही है, स्टार्ट कर दो आप गाड़ी को। तो गाइस अभी हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ कि डीजल में आवाज़ कैसी आ रही है। भाई सीधी सी बात है, पहले से तो 19-20 का फर्क पड़ा है, तो गाइस ये थी आवाज़, लेकिन अभी इतनी नहीं आ रही क्योंकि अभी गाड़ी ठंडी है, लेकिन अभी मैं जब टेस्ट ड्राइव पे गया था तो आप ये मान के चलो कि लगभग जैसे मैं दूसरे से तीसरे गियर पे चल रहा था तो गाड़ी बढ़िया वाड़ी आवाज़ आ रही है, मतलब साइड में अगर कोई खड़ा हुआ तो उसको अच्छे से पता चलेगा कि हाँ डीजल मॉन्स्टर आ रहा है। और एक्चुअली क्या गाड़ी स्टैंडिंग में 2,500 से 4,000 ऊपर जा नहीं रहा, हाँ जी हाँ, क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करके लेके जाते तो 4,000-4,500 तक जा रहा है, हाँ तो लग रहा है कि हाँ कुछ आ रहा है। तो और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, ये अभी तक की डीजल 2020 मॉडल महिंद्रा थार का फर्स्ट ओनली वन इन इंडिया है, इंडिया है जो जीवन शैली में लगाया डीजल में, exactly. डीजल, तो ये देख सकते हो, और ये काम हुआ है हमारा साइलेंसर गैरेज। अंकल जी का मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, हर चीज़ आपका मोबाइल नंबर अगर डाल दूँ कोई, हाँ कोई इशू नहीं, ठीक है। और भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अंकल जी को बेफालतू में डिस्टर्ब ना करें, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है इनका, आज भी आया हुआ था तो गाड़ियाँ कई थी और डेली यही रहती हैं, तो रिक्वेस्ट है कि कॉल करके आएँ, मीटिंग फिक्स कर लो पहले ही, क्योंकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और अंकल जी को भी दिक्कत ना आए। तो भाई यही था आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेकर, कुछ बढ़िया लेकर, टिल देन अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।